बिना घी बिना तेल सिर्फ पानी की मदद से इस दिवाली अपने घर को रोशन करें, ढेरों दिए जलाएं बिना एक भी बूंद तेल या घी खर्च किए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स है, सिर्फ पानी की मदद से हम अपने घर में दिए कैसे जलाएं। यहाँ पर आपको एक भी बूंद तेल नहीं लगेगा, एक भी बूंद घी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, और आप बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशन के लिए दिए बना सकते हैं, या फिर छोटे बड़े जिस भी साइज में आप चाहे ढेरों बना सकते हैं। और इसमें आपको एक बूंद भी तेल नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ पानी की मदद से आप अपने घर में ढेरों दिए जला सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप लेकर। तो आप चाहे तो पुराने दिए ले सकते हैं या फिर नए ले सकते हैं। तो अगर आपके दिए पुराने हैं तो आपको धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके दिए नए हैं तो इन्हें ना आप आधा घंटे के लिए नॉर्मल जो ताजा पानी होता है ना टैप वाटर उसमें सोक करके रख दीजिए, और सोक करने के बाद सिर्फ आधा घंटे बाद आप इनको निकाल कर और उल्टा कर 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 रख दीजिए धोकर अच्छे से। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो दिए होते हैं ना कच्ची मिट्टी पक जाती है, और इसमें जब हम पानी डाल देते हैं तो ये जो दिए होते हैं ना मजबूत हो जाते हैं, और अगर आप तेल के जलाएंगे तो इसमें तेल भी कम खर्च होगा, लेकिन हम तो पानी के जलाने वाले हैं। तो यहाँ पर दियों को सूखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारी प्लेट में रख लेंगे एक में, और आज मैं आपको ना पानी से ही दिए जलाकर दिखाऊंगी। आपको एक बूंद भी ना तो तेल डालना है ना घी डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। बस आप क्या कीजिए, जितने भी आपको दिए बनाने हैं उतनी बाती बना लीजिए। तो बाती की वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर कर चुकी हूँ, बहुत तरीके की बाती हैं जिनको मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं लंबी बाती से बनाने वाली हूँ सारे दिए, क्योंकि जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें लंबी बाती जलाई जाती है। जितनी भी देवियों की पूजा होती है उसमें लंबी बाती जलाई जाती है, और देवता की जो पूजा होती है भगवान की उसमें जो बाती होती है वो फूल बाती जलाई जाती है। तो यहाँ पर हम दिवाली के लिए दिए तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लंबी बातियां बना ली हैं। अच्छा, लंबी बाती बनाने के बाद आपके जितने भी आपके दीपक हैं, या फिर आप नॉर्मली किसी में भी दीपक जलाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ना एक कांच की कटोरी लूंगी उसमें दीपक जलाऊंगी, और उसे मैं घर पर ही मैंने डेकोरेशन किया है, उसके लिए मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। आपको बस इतना सा मोमबत्ती का टुकड़ा लेना है और उसे एक दिए में डाल लीजिए इस तरह से। यहाँ पर इस दिए को हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने कांच की कटोरी में डेकोरेशन के लिए बनाया है, और ये कैसे बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मोमबत्ती हमने डाली है दीपक में उसको हम गैस पर रख देंगे, जब तक ये मेल्ट हो रही है अच्छे से तब तक हम अपनी बातियों को सेट कर लेते हैं पानी में, ताकि मतलब ये जो है बाती हम जब डालें इसमें तो डूबे नहीं, उसके लिए हम कुछ बना लेते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पर जो मोमबत्ती है ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो रही है, और धागा निकाल कर सिर्फ मोम मोम का इस्तेमाल करना है आपको, ज्यादा नहीं लेना है। और इतने से ही मोम से ना हम करीबन 10 से 20 दीपक जला सकते हैं। और यहाँ पर ना हमने प्लास्टिक की जो बोतल होती है पानी वाली उससे छोटे छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े कट करके देखिए देख सकते हैं आप चकले पर रख दिए हैं। यहाँ पर वीडियो बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला जब मैंने इसकी कटिंग की थी। तो आप प्लास्टिक की बॉटल से मतलब टुकड़े छोटे छोटे से काट लीजिए और उनमें अंदर होल्स कर लीजिए, और उसके बाद जैसे मैंने ये कांच की कटोरी में डाला है ना उसको आपको क्या करना है, नॉर्मल ठंडा पानी लेना है, जैसे फ्रिज में हल्का सा देर के लिए रख दीजिए पानी ठंडा हो जाए। उसके बाद आपके पास जितने भी कलर्स की नेल पेंट हो ना वो कलर्स की नेल पेंट इसमें डाल दीजिए, इससे ना बहुत प्यारा सा डेकोरेशन हो जाता है। और जब इसमें आप दिया जलाएंगे ना तो देखने मतलब इसकी खूबसूरती ना देखने लायक होगी बिना एक भी रुपया खर्च किए। तो कई बार क्या होता है हमारे पास नेल पेंट ना बहुत बेकार रखी रहती है, काफी टाइम की पुरानी रखी रहती है, तो उनका आप इसमें यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सारे कलर्स की डालें, अलग अलग कटोरियों में अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हैं या फिर मल्टी कलर्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉटल एक जो कटोरी है उसमें दो कलर्स की नेल पेंट डाली और एक में तीन कलर्स की डाली है। और उसके बाद हमें क्या लेना है, जो ये हमने प्लास्टिक के ढक्कन कट किए हैं ना, प्लास्टिक के जो टुकड़े कट किए हैं बॉटल के, उनको लेना है और उनमें अपनी बाती सेट करनी है। लेकिन अब हमें बातियों में क्या करना है, जो हमारा मोम मेल्ट हो रहा था ना उस मोम को लेंगे हम, और उस मोम में हम अपनी सारी बातियां जो है वो डिप कर 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 साइड में रख देंगे, ताकि इसमें जो मोम है वो हल्का सा सूख जाए, और उतनी देर के लिए रखना है बस, मोम इसका हल्का सा सूख जाए। और मोम सूख जाएगा उसके बाद हम जो हमने कटिंग करी है उसमें हम इन बातियों को सेट करेंगे। और फिर देखिए ये आपकी बातियां ना पूरी रात जलने वाली हैं, बिल्कुल भी नहीं बुझने वाली हैं, और सिर्फ पानी की मदद से आप अपने घर को रोशन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना हर घर में हर मतलब त्योहारों का भरमार रहती है इस टाइम पर, और हर आदमी चाहता है अपने घर को आप सुंदर से सुंदर बनाना और बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए तरीके से डेकोरेशन करना। तो ये डेकोरेशन बिना किसी पैसे खर्च किए और आप अपने बिना एक भी टाइम ज्यादा वेस्ट किए घर पर ही अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं।
तो अगर आपको जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बाती जो थी वो स्टिक हो चुकी हैं काफी अच्छे से। अब इनका हम क्या करेंगे, इनको हम सेट कर लेंगे। देखिए हल्के हाथ से मैंने इसको छुड़ा दिया है क्योंकि मोम था इसमें हल्का सा, जिसकी वजह से ये जम गई हैं। अब इन बातियों को हम सेट कर लेंगे। तो आप अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉटल नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी ना हार्ड मतलब जैसे बच्चों के टॉय वगैरह होते हैं उसकी प्लास्टिक ले लीजिए, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप सेफ्टी पिन में भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले इन टुकड़ों में हम फंसा लेते हैं। मैंने यहाँ पर गर्म सुई को कर इनमें होल्स कर लिए थे हल्के हल्के से, जिससे कि बाती इनमें सेट हो जाए। और होल थोड़े छोटे कीजिएगा ताकि बाती इससे नीचे गिरे नहीं, अगर बाती इससे नीचे गिर जाएगी तो बाती हमारी बुझ जाएगी, फिर आप लोग बोलेंगे दिए जले नहीं। आपको होल करते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन में लगाकर दिखा रही हूँ आपको। जैसे कई बार होता है कि हमें मतलब बोतल वगैरह नहीं लेनी है, हमें सिर्फ मतलब काम भी कर हो जाए और हमारा ज्यादा हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप बड़ी वाली छोटी वाली जैसे भी दिए में आप सेट कर रहे हैं सेफ्टी पिन ले लीजिए। तो यहाँ पर ये बाती बहुत लंबी थी तो मैं इसको क्या करूंगी, दो टुकड़ों में कट कर लूंगी, जिससे कि मैं अपने दो दिए जला लूंगी एक ही बाती से। जी हाँ, बस यहाँ से आपको बीच से कट कर देना है इसको, और उसके बाद आप इसमें मतलब दूसरे दिए में इस बाती को सेट कर लीजिए। तो चलिए अब इन दीपकों में बाती फटाफट से सेट करके और आपको जलाकर दिखा देती हूँ। इस तरह ना आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये ना बहुत अच्छे से वर्क भी करती है और बहुत ही अच्छा लगता है इसको। अपने हाथों से जब हम कोई चीज करते हैं तो उसकी तो खुशी ही देखने लायक होती है, नेक्स्ट लेवल होती है मतलब। तो इस तरह से बातियों को सेट करना बहुत ईजी है। जैसे आपकी कोई बड़ी कटोरी है तो हमने अगर जो कैंडल की जो हमने बाती बनाई है वो अगर बड़ी लग रही है तो आप उसे नीचे से हल्का सा फोल्ड कर दीजिए और बहुत ईजिली वो सेट हो जाती है। तो देखिए बस मैंने डाल डाल कर सारे रख दिए हैं। तो चलिए अभी ना फटाफट से जला कर भी देख लेते हैं। और इसी तरीके से मैंने अपनी सारी बातियां बनाकर सेट कर ली हैं। अब इनको मैं आपको जला कर भी दिखाऊंगी कितनी देर तक जलते हैं और कितनी अच्छी इनकी रोशनी होती है। तो हमारे सारी दीपक सेट हो चुके हैं। तो इस तरह से ना आप अपने घर में एक बार ज्यादा नहीं तो एक दीपक जरूर बनाकर देखिए, फिर देखिए कैसा अच्छा लगता है आपको अपने हाथ से ही बनाकर इन चीजों को और अपने घर में डेकोरेशन करने में। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ नेल पेंट की मदद से कितनी प्यारी हमने बाउल्स बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे ना तो इनमें भी पैसा खर्च होगा, लेकिन जब हमारे घर में ही चीजें हैं तो इनमें पैसा खर्च क्यों ही करना। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी रोशनी हो रही है। मैं अभी आपको पास से जूम करके दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी सी सिर्फ प्लास्टिक की जो कैंडल है वो जलकर तैयार हो गई है, और इसमें हमारा ना तो घी लगा है ना तेल लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। तो देख सकते हैं सिर्फ पानी ही पानी है, मैं आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ, और हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। बस डेकोरेशन के लिए इसमें नेल पेंट है और जो छोटा वाला दिया है उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।